दोस्तों फाइनली कल सैमसंग ने गैलेक्सी ए सीरीज में अपना एक नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A73 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि एक ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है और प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ऑफलाइन सेंट्रिक जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए जाते हैं उसकी प्राइस 2 से 3 हज़ार रुपये हमें ओवर ही देखने को मिलती है। लेकिन इस फोन के बारे में बात करें तो जब मैंने इसका स्पेसिफिकेशंस देखा देन प्राइस पे नज़र डाली तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मुझे पता था सैमसंग फिर से ऐसा ही कुछ करने वाली है। दोस्तों इसकी भी प्राइस काफ़ी ओवर रखी गई है। मैं किसी को भी ये फ़ोन बाय करने के लिए नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा, क्या कारण है, इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके साथ ही इस फ़ोन के जगह आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, स्पेशली अगर आप सैमसंग के फैन हैं, आपको सैमसंग के फ़ोन अच्छे लगते हैं तो इसकी जगह आपको कौन से सैमसंग के फ़ोन लेने चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हाय गाइज, मैं हूँ अविनाश, टेकी अभी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दो मॉडल लॉन्च किए गए हैं, 8GB 128GB एंड 8GB 256GB। जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस 41999 रखी गई है और जो सेकेंड मॉडल है उसकी प्राइस 44999 रखी गई है, मतलब 42,000 and 45,000 का ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है। यहाँ पे 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। पंचोल स्टाइल में डिस्प्ले दिया गया है, सेंटर में पंचोल का कटआउट देखने को मिलता है, जहाँ पे 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैक कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 108+12+5+5 का यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है। जो मेन सेंसर है वो 108MP का दिया गया है, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर है और यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। दूसरा सेंसर 12MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तीसरे चौथे सेंसर के बारे में बात करें तो ये माइक्रो डेप्थ सेंसर है, जो कि 5 MP के देखने को मिलते हैं। तो कैमरा अलाइनमेंट यहाँ पे काफी सही है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है दोस्तों कि फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करें तो 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, यहाँ पे 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों सैमसंग ने जो अभी नया ट्रेंड स्टार्ट किया है इन द बॉक्स चार्जर ना देने वाला, वो चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। इस फोन के साथ भी दोस्तों इन द बॉक्स आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा। हो सकता है दोस्तों ये चीज़ इस फोन के लिए सबसे बड़ा डील ब्रेकर साबित हो। यहाँ पे दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएंगे, डुअल सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिलेंगे, स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाएंगे और IP67 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों One UI 4.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के ऊपर आएगा। नॉक्स की सिक्योरिटी भी मिलेगी और 4 साल का यहाँ पे OS अपडेट भी देखने को मिलेगा, जो कि ऑफिशियली कंपनी के द्वारा कन्फर्म किया गया। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 12 के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13, 14, 15 एंड 16 तक का अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। वैसे दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आ रही है डिसलाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट दिया गया है, जो कि मुझे लगता है इस फोन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण ये है कि इसकी प्राइस 45,000 तक चली गई है। बाकी ब्रांड दोस्तों इस प्राइस पे हमें 888+ चिपसेट प्रोवाइड कर रही है, बट सैमसंग यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ आया है। ये चिपसेट भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन ये अंडर 25,000 या फिर 30,000 तक अच्छा चिपसेट है, लेकिन उससे अधिक अगर आप जाते हो तो ये चीज़ सही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों LPDDR4X का रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इस फोन के जगह हमें कौन सा फोन बाय करना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपका बजट 40,000 to 45,000 के बीच का है तो आप OnePlus 9RT बाय कर सकते हो, iQOO 9 बाय कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप 2-3 हज़ार रुपये और ऐड कर सकते हो तो आप Moto Edge X30 Pro बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सैमसंग के फैन हैं, सैमसंग का ही फ़ोन बाय करना है, तो आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी A52s को बाय कर सकते हो, जो अराउंड 31-32,000 में आपको मिल जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा, और साथ में इन द बॉक्स चार्जर भी मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।